दुनिया का सबसे पुराना कब्रिस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, जहाँ पर करोड़ों कब्रें हैं, और यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र भी यहाँ पर है, हज़रत नूह की भी, और इस तरह के कहा जाता है कि 70 से 40 हज़ार अंबिया यहाँ पर मदफून हैं। वादी इस्लाम की आप इस वक्त ज़्यारत कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, और माशाल्लाह यकीनन कल के दिन आप अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पे जाएंगी, ईद का दिन होगा, तो हम ईद के एक दिन पहले, क्योंकि इराक़ में 30 रमज़ान पूरे हुए हैं, आज 30वां रोज़ा है, और पूरी दुनिया में यकीनन यूरोप और अमेरिका और इस तरह के ममालिक में ईद मनाई जा रही है, अरब कंट्री में, इराक में आज 30वां रोज़ा रखा गया आयतुल्लाह सिस्तानी दामदल्लो के ऐलान के बाद। तो ये दुनिया का एक मुनफरद कब्रिस्तान जिसे आप दिखा रहा हूँ कि इतनी आपको चाहत होगी, और हालांकि ये कब्रिस्तान जो है इतना जो है बनावट में ख़ूबसूरत नहीं, मगर क्योंकि मेरे मौला अली बिन अबी तालिब अलैहि सलाम ने इस सरज़मीन को ख़रीदा था और मोमिनीन के लिए मुअय्यन किया था, तो हर मोमिन ये चाहता है कि काश मेरी कब्र भी इस वादी इस्लाम में हो। सुबह सवेरे सवेरे यहाँ पे सूरज तुलू होता जा रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना आज आपको वादी इस्लाम की सैर कराऊं। वादी इस्लाम का फ़ायदा ये होता है कि जब कोई आ जाता है दुनिया से चला हुआ, अगर कोई मरहूम उसका नाम लिया जाए तो उसका रूह यहाँ पर आता है, और कहा जाता है यहाँ पर कहा जाता है कि जितने भी मोमिनीन हैं उनके रूह वादी इस्लाम में जमा होते हैं, जिस्म जहाँ पर भी दफन हो। तो ये वो वादी इस्लाम है, दुनिया का एक मुनफरद कब्रिस्तान जिसके ऊपर मेरे मौला मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम का साया है, गुंबद का बिल्कुल सामने यहाँ पे बिल्डिंग है, इसके पीछे मेरे मौला अली का रोज़ा है, और बिल्कुल ही करीबी यहाँ पे पूरा, क्योंकि मौला अली अलैहि सलाम का ख़ुद रोज़ा भी वादी इस्लाम के बीच में आता है। तो ये कब्रें जिसे आप देख रहे हैं, ख़ूबसूरत मनाजर वादी इस्लाम का, दुनिया का सबसे ख़ूबसूरत, बड़े बड़े बादशाह यहाँ पर दफन हैं, बड़े बड़े औलिया यहाँ पर दफन हैं, बड़े बड़े बुज़ुर्ग शख्सियात, बड़े बड़े मलूक, दुनिया के शहनशाह कहते थे कि हमें वादी इस्लाम में मरने के बाद दफन करना, कदीम ज़माने से जिस को भी ये इल्म और मार्फत मिली और जिस को भी ये इल्म हुआ कि इसकी क्या फजीलत है वादी इस्लाम की, तो लोग तमन्ना रखते कि काश हमें भी कोई वादी इस्लाम में दफन करें। अगर आप इस वीडियो को लाइक भी और शेयर भी करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे बताने में भी आसानी हो जाएगी और आपको देखने में भी, और मुझे ऐसा लगेगा कि आप देखते जा रहे हैं और मैं कुछ आपको बातें हदिया करूंगा। मैं आप सबके मरहूमिन के लिए फातिहा पढूंगा, जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला है हम उनके लिए फातिहा पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह वादी इस्लाम का ये मनाजर आप देखिएगा, ज़रूर मौत हम सबको आनी है, मौत बरहक है, मौत से कोई भी भाग नहीं सकता, मौत का कोई वक़्त नहीं है, मौत बूढ़ों को नहीं जवानों को भी आती है, जवानों को नहीं बच्चों को भी आती है, सेहतमंदों को भी आती है, मरीज़ों को भी आती है, तो बस मौत से कोई भी दामन नहीं छुड़ा सकता। जब ये बात बरहक है, कुल नफ्सिन दायकतुल मौत, जिसको भी अल्लाह ने नफ्स दिया है वो मौत का जायका चखेगा, तो फिर हे दोस्तों, हे अजीज़ों, इन कब्रों को देखो जो आपके सामने वीरान पड़ी हुई है, इनसे सवाल किए जाते हैं, कहाँ है तुम्हारी औलाद, कहाँ हैं तुम्हारी गाड़ियाँ और बंगले, तेरी बीवियाँ, कहाँ 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 कहाँ, ये सवालात जब होते हैं तो फरिश्ता सिवाय कब्र के मुंह छुपा के मुर्दा कुछ भी उसके पास जवाब नहीं होता। तो फिर इंसान ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पे नाराज़गियाँ, बहन भाई से नाराज़, भाई बहन से नाराज़, और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़ियात हम देखने को मिलते हैं, सगे खून, सगे भाई, मिल्कियत, जायदाद, ज़मीन, पता नहीं किधर 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 के मामले लेके आकर यहाँ पर यह होता है कि फिर इस दुनिया से चले जाते हैं और कब्रों में आराम करते हैं, और फिर झगड़े दुनिया में ही रह जाते हैं, और फिर वो नस्लों में चले जाते हैं, फिर औलाद जो है उसी चीज़ को याद करते हुए, मेरे बाबा तुमसे नाराज़ थे, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे,
तो ये नस्लों में चली जाती है बीमारियां और फिर से बर्बादियां और फसाद। और कुरान में सबसे ज़्यादा जो ज़िक्र है कि फसाद ना करो, हर नबी को ये ज़िक्र था कि उम्मत को बोलो फसाद ना करें, फसाद ना करें। तो खुदा रा कोई बहन भाई से नाराज़ है तो माफ़ कर दें। हमारा तो मयार यही होना चाहिए जो मुहिब अहले बैत है, ज़ातियात को छोड़ के बस वो सर आँखों पर, जो अहले बैत का दुश्मन है चाहे मेरा भाई क्यों ना हो उसे नहीं छोड़ना है, उससे कोई कलाम नहीं, उससे दरगुजारी, उससे बेजारी इख्तियार करनी है। ठीक है जी, बाकी अगर आप ज़ातियात पे जाकर छोटी छोटी बातों पर इतना खूबसूरत रिश्ता बहन का, भाइयों का, रिश्तेदारों का, छोटी छोटी ज़ातियात बातों पर, जबकि उनका हल भी होता है, सुलह भी होती है अगर बंदा सोचे तो खुदा रा मैं इन कब्रों को दिखा के आपको बस यही पैगाम देना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और मौला अमीर कायनात ने, ए हसन बेटा लोगों को बता दें अपने रिश्तेदारों से कतअ कलामी ना करें, हत्ता कि सलाम की हद तक भी रखें ज़रूर। अब यहाँ पे तो आपको मौला के ये जुमला इसके तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जितनी भी ज़ाती नाराज़गियाँ होंगी मगर सलाम की हद तक रखना पड़ेगा। अगर तुम मोमिन हो तो मेरे मौला की इस वसीयत को याद करो। खुदा रा इन कब्रों को देखो कैसे कैसे आराम कर रहे हैं, कोई किसी से ये नहीं कि मिट्टी उठा सकता है या उड़ा सकता है या मेरी कब्र साफ़ होनी चाहिए, किसी की कोई भी अहमियत नहीं है इन चीज़ों की। ज़िंदा होता है तो फिर कपड़े के पे एक मिट्टी भी लग जाए तो हुआ ना जाता है, मेरे जिस्म पे मिट्टी, मेरी आँख में मिट्टी, मेरे कपड़ों पे मिट्टी। हाँ अल्लामान अल्लाफीस। बात यह है कि मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताऊं, वादी इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें बताऊं, इनका फ़ायदा नहीं है। जिन चीज़ों का फ़ायदा है ना उस पर गौर करें, जिससे हमारी ज़िंदगी सवर जाए, किसी के लिए अच्छाई बन जाए, किसी के लिए हम अच्छा बन जाएं, किसी के लिए काम आ जाएं। तो खुदा रा इन कब्रों को देखें जो वीरान सोई पड़ी हुई हैं, करोड़ों कब्रें हैं यहाँ पर, करोड़ों। हज़रत आदम की कब्र यहाँ पर, हज़रत नूह की कब्र, मौला अली की जब ज़ियारत पढ़ेंगे तो उस पर लिखा होगा कि इमाम अली के पड़ोसी ए आदम आप पर लाखों दुरूद व सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम के पड़ोसी हज़रत नूह आदम सानी आप पर लाखों दुरूद व सलाम। सवाल तो ये होता है शाकिर भाई, सुबह सुबह तुलू फजर रोज़ा रख के कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं जबकि ईद भी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। दो दिन पहले मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, मेरे वालिद का दोस्त दुनिया से वफा पा गया। नजफ़ में उसका आने का बड़ा शौक़ था कि मैं नजफ़ आऊँ, नजफ़ आऊँ, नजफ़ आऊँ। उसका बेटा नजफ़ में पढ़ता था जिसका नाम जावेद, लड़का ना से, हमें भी लड़का ना से। तो बेटे को पूरी ज़िंदगी तकरीबन 83 उसकी एज थी, रोता रहा कि बेटा मुझे नजफ़ बुलाओ, बेटा मुझे नजफ़ बुलाओ। सबको कह के आया अपने घर में, मैं नजफ़ जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। इत्तफाक ये कि दो दिन मौला अली की ज़ियारत करने के बाद अचानक वो वफात पा गया, जिनकी कब्र पे हम दो दिन पहले यहाँ पे उनकी कब्र बना चुके हैं। 27 रमज़ान की शब वो वफात पाया है, जुमे की शब थी और वादी इस्लाम में उनकी तदफीन हुई, हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम में ज़ियारत हुई, मजलिस हुई। आयतुल्लाह हाफिज़ बशीर हुसैन नशवी दामत दिल्लो उन्होंने नमाज पढ़ाई और फिर वादी इस्लाम में उनकी बेटी उनके साथ थी, उनका बेटा उनकी कब्र पे है। तो उनके लिए भी आपसे इल्तमास है, ज़रूर फातिहा पढ़िएगा। और ये तमाम कबूर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, मैं यकीनन आपके जितने भी रिश्तेदार दुनिया से चले गए, क्योंकि हमने रवायात और उलमा से सुना है कि जो मोमिन भी दुनिया में कहीं इंतकाल कर जाए उनका रूह वादी इस्लाम में होता है। जब रूह यहाँ पर है, अगर किसी की रूह का नाम लिया जाए तो वह हाज़िर हो जाती है। जब भी वादी इस्लाम आया करो, अपने रिश्तेदारों का नाम लिया करो और फिर फातिहा पढ़ लिया करो, और फिर ये फातिहा पढ़ने के बाद जब रूह अपनी कब्र में जाते हैं तो अपने मोमिनीन से, सोए पड़े वाले जीवान से, अपने पड़ोसियों से कहते हैं, देख हमने अपनी औलाद की ये तरबियत की है कि आज वो करबला और नजफ घूम रहे हैं, तुम्हारी औलाद किधर है जिनके पास गाड़ियाँ और बंगले और आराइश और पता नहीं क्या 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 क्या। तो खुदा रा अपनी औलाद को तवज्जह करें और उनको मुतवज्जह करें ज़ियारात की तरफ, और ऐसी परवरिश करें कल कहीं पे भी आपकी कब्र हो तो आपको ज़रूर याद करें।
मैं आपसे इल्तमास करूँगा एक मरतबा सूरह फातिहा तमाम जुमला मोमिनीन मोमिनात इन कब्रों के दरमियान नबियों की कब्र हैं, इन नबियों की कब्रों के दरमियान बड़े वलियों की कब्र हैं, इन कब्रों के दरमियान उलमाए किराम रब्बानी की कब्र हैं, इन कब्रों के दरमियान बड़े बड़े बादशाहों की कब्र हैं, इन कब्रों के दरमियान बड़े 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 मुत्तकी लोगों की कब्र हैं। वादी इस्लाम, वादी इस्लाम, आप हिस्ट्री तो पढ़ें ना, आप लरस जाएंगे कि वादी इस्लाम की क्या ही मंजिल है और शाकिर भाई ने आज क्या ज़्यारत कराई थी। तो आप मोमिनीन सबसे इंशाल्लाह मिलकर एक सूरह फातिहा जुमला मोमिनीन और मोमिनात जिनके पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले, उन सब की तरफ से जो शहादा हो गए खुसूसन उन सब के लिए, अपने मरहूमिन को याद करते हुए सब की तरफ से सूरह फातिहा पढ़ें। फिर कहेंगे शाकिर अली भाई एक सूरह फातिहा क्या इन करोड़ों कब्रों के लिए काफ़ी है? हाँ, क्योंकि अगर तुम अपने हिसाब से इसका हिसाब देने जाओ तो शायद तुम कम पड़ जाओ, मगर इसका अजर खुदा से मांगते हो तो फिर उसकी ख़जाने में कोई भी किल्लत नहीं, कसरत ही कसरत है। तो इन करोड़ों क्या ऐसे 100 करोड़ों को भी हो, इसको एक ही फातिहा को आप सवाल दे सकते हैं। मिलके सलवात पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وال محمد. يا الله تجھ واسطہ محمد وال محمد کا, امیر کائنات شاہ نجف کا واسطہ, حبیب ترین شخصیت मेरे मौला अमीर कायनात या अल्लाह, इनके सदक़े में जो जो मरहूमिन दुनिया से चले ही जाएँ अज़ीज़ व अक़ारिब हमारे और देखने वालों के, या अल्लाह उनको जवार मासूमीन में जगह अता फ़रमा, या अल्लाह हमें भी वादी इस्लाम में जगह अता फ़रमा, वादी हुसैन में जगह अता फ़रमा, या अल्लाह तुझ वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद का, जिन जिन मोमिनीन ने मुझे दुआओं के लिए कहा है उनके अज़ीज़ अक़ारिब उनको भी जवार मासूमीन में जगह अता फ़रमा, या अल्लाह तुझ वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद, हम सबको वाजबात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा, हराम से बचने की तौफीक अता फरमा, जिस जिस मोमिन की तमन्ना है वादी इस्लाम में कब्र हो या अल्लाह, ये सरजमीन शाह नजफ उनकी आखिरी आराम गाह बना, या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आल मोहम्मद का, जो ज़ाहिर तड़प रहा है, जो मोमिन तड़प रहे अपने पाकिस्तान या दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर भी नजफ हशर व करबला की ज़्यारत और शाम के लिए, या अल्लाह उन सबको जवार शाम जवार करबला और शाह नजफ बना दे, या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें सीरत आइमा अलैहि सलाम पे चलने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जितने भी हाजरीन देख रहे हैं या बाद में देखें इनके मरहूमीन जो इंतकाल कर गए हैं उन सबको जवार मासूमीन में जगह अता फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से, हमारे आखिरी इमाम अजलल्लाहु तआला फरजहू कज़हूर फरमा, हमें उनके अंसार में शुमार फरमा, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा, जो बेघर हैं उनको घर अता फरमा, जो बेजर हैं उनको जर अता फरमा, जो बीमार हैं उनको शफा कुल्ली अता फरमा, जो बे औलाद उनको नेक और साले औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उनको नेक और साले बना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। हाँ, बिस्मिल्लाह, आपके सब के लिए दुआ, मरहूमिन के लिए दुआ कर दिया। अब रहा प्रोसीजर ये कि शाकिर भाई एक सवाल मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, अगर कोई ज़ायर करबला में नजफ में ज़्यारत करते हुए या इराक़ की सरज़मीन पे इंतकाल कर जाए उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कब्र कैसे मिल सकती है और किस तरह क्या मराहिल होते हैं कि वो अगर कोई जवार चेलों पे करोड़ों लोग आते हैं मुहर्रम में आते हैं आम दिनों में यहाँ पे हमें नजफ में आखिरी आरामगाह नसीब होती है तो उसका प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल इस पे मैंने पूरी मुकम्मल वीडियो बनाई है जो इंशाल्लाह ईद के बाद अपलोड करूँगा, ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको बताऊँगा पूरी जितनी भी यहाँ पे पूरा प्रोसीजर है दफन और तदफीन का और जो जो भी मामलात होते हैं सारे सारे मैंने एक वीडियो में रिकॉर्ड किए हैं, जनाबे को हरम में लेके गए जहाँ जहाँ लेके गए और हाफिज़ बशीर साहब ने उनके मकतब में जो नमाज़ पढ़ाई गई है और तमाम प्रोसीजर को रिकॉर्ड करके मैंने सेंड सेव किया है ताकि अगर कोई
यहाँ पे किसी का वफात हो जाए तो मेरी वीडियो से 90% उनको फ़ायदा होगा, वो तमाम प्रोसीजर क्रॉस कर सकता है इंशाल्लाह। जी मैं आप सबके लिए दुआ गूँ, बस मेरी ये कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर पसंद आए वादी इस्लाम, नहीं पसंद आए तो फिर अनलाइक कर दें, नो प्रॉब्लम। पसंद आ रहे तो ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी कीजिएगा। हाँ कुछ भी बस कुछ भी सोच तस्वीरों में आपको दिखाऊं कैसे कैसे नौजवान इस दुनिया से चले गए हैं। जावेद के चलो खबर तो दो तो सब कुछ कर, ये देखें कितने कितने खूबसूरत दुनिया से चले गए। वादी इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान इस वक्त आप देख रहे हैं, नजफ अशरफ से इमाम अली अलैहिस्सलाम का वो शहर जिसे नजफ अशरफ से पहचाना जाता है, उसी रोज़े के साथ यहाँ पर बाबे किबला के बैक साइड पर आपको वादी इस्लाम कब्रिस्तान मिलेगा, जहाँ पे करोड़ों जो हैं कबूर हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अभी तक यहाँ पर लोग मदफून होते हैं। तो मैं आप सब तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गूँ, जिसने मुझे इल्तमास किया इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, मौला हमें भी नजर पर बुला इंशाल्लाह ज़रूर। अस्सलाम अलैकुम या अहले कुबूर सुरूर। जी थैंक यू, सलामत रहें आप सबको, एडवांस में ईद मुबारक, अपने बच्चों के साथ खुश रहें, अपने बहन भाइयों के साथ खुश रहें। अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो बहन और भाई अपनी जो भाई अपनी बहन से नाराज़ है वो ज़रूर जाएगा, जो भाई अपने भाई से नाराज़ है वो अपने घर पे उस भाई के घर पे ज़रूर जाएगा, और जो भी रिश्ते हैं जिनसे नाराज़ है मेरे मौला ने मौला हसन को वसीयत की, ए बेटा लोगों को बता दो अपने रिश्तेदारों से कतअ ताल्लुकी ना करो, हत्ता के सलाम की हद तक भी ज़रूर रखो, मौला के इस कॉल को याद रखो। खुदा रहा इन दुश्मनियों को जो ज़ातियात में पड़ जाते हैं ये फिर नस्ल में चले जाती हैं और फिर बर्बाद हो जाता है वो नस्ल और ख़ानदान जिनके बड़े लड़े जाते हैं और फिर उनके बच्चे भुगते हैं। तो खुदा रहा इन कब्रों को देखें, ये आराम से सो जाते हैं, बड़ों की लड़ाई की वजह से छोटे ये बड़े नुकसान में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े ख़ानदान बर्बाद हो जाते हैं, उनकी सीरतें उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं। तो खुदा रहा अपनों से कोई भी कतई ताल्लुक ही ना रखो, बस एक मयार बनाएं जो मुहब्ब आले मोहम्मद है उसे सीने से लगाएं, चाहे कोई भी हो, जो दुश्मन आले मोहम्मद है वो चाहे मेरा भाई हो या मेरा अजीज़ हो उसको किनारकशी कर दें। तो ये मयार है हमारी ज़िंदगी का, बाकी अगर कोई बहन और भाई आपस में नाराज़ हैं खुदा रहा इस वादी इस्लाम की कब्रों को देखें, जहाँ पर आपसे सवालात होंगे और एक सवाल का भी जवाब नहीं होगा। तो खुदा रहा अपनी ज़ातियात को छोड़ दें, अपनी अनापरस्तियों को छोड़ दें, छोटी छोटी बातों की नाराज़गियों को छोड़ दें। खुदा रहा खुदा रहा खुदा रहा। तूने खुद जा शावे छातों चे वालेकुम सलाम, खैर मुबारक खैर मुबारक। अजीब अजीब सी कब्र हैं, अजीब अजीब सी कब्रें हैं, ऐसी ऐसी कब्रें जिनके ऊपर फातिहा पढ़ने वाली नहीं है, फिर नाराज़गियाँ और ये जंगें और ये पता नहीं क्या क्या झगड़े किस काम के, जबकि हमें ये फसाद और नुकसान के सिवाय कुछ भी नहीं देंगे। खुदा रहा जी इंशाल्लाह ज़रूर। खैर मुबारक आप सबको मुबारक हो, अल्लाह आप सबको सलामत रखे खुश रखे, बहुत सारी देर खुशियां मिलें आपको, मोहम्मद वाले मोहम्मद का साया मिले आपको, हमेशा मुस्कराते रहें सिवाय गम में हुसैन के, कोई गम ना दे अल्लाह पाक आपको, और
बहुत सारी दुआएं आप तमाम मोमिनीन के लिए। मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाए। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी शोन। قال ديك حجي يرحم ام انت صغير شوف عليك شوف موتاك كلها هاك حجي हाँ जी। हल आपको साथ और बात रही। हमारे दोस्त हैं सैयद मुहर्रम अली शाह नकवी साहब, इनका यूट्यूब चैनल है मुहर्रम अली नकवी, तो वो ज़रूर देखिएगा और वहाँ पे भी वो ज़्यारात आपको मिलेंगी और मुख्तलिफ ज़्यारात और आपको हिलम मिलेगा इंशाल्लाह। खैर मुबारक। चलें जी माशाल्लाह, ये जो ईद मुबारक कह रही हैं, आपके वहाँ पर ईद है क्या? मैं नजफ़ में रहता हूँ, मेरा घर इधर ही है, मुझे छोड़ दें। मैं कौन, क्या, किधर, मुझे छोड़ दें। मैं जो बातें हैं उसको आप एक्सेप्ट करें। आपके पास, सबके पास यकीनन आज ईद होगी। मुख्तलिफ मुल्कों में सुना है कि आज ईद है, मगर इराक में 30वां रोज़ा है और कल ईद है, आज रोज़ा रखा है हमने। खैर मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। कल है आपके पास, खैर मुबारक। जो बाहर मुल्क रहते हैं उन सबको कल ईद है, इंडिया में अच्छा, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से कल है, बाकी अरब कंट्री में जो दूसरे हैं, ईरान में भी आज है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, आपके साथ ही हमारे पाकिस्तान में कल है। चले जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये कब्रें हैं, हाँ बिल्कुल कब्रें हैं, ये देखें। ये शाकिर भाई क्या है, बिल्कुल कब्रें, इस तरह की कब्रें होते हैं। एक कब्र के नीचे पता नहीं कितनी कितनी कब्र होती है। ये वादी इस्लाम में कोई मामूली बात नहीं है, हजरत आदम के ज़माने से यहाँ पे कब्र है। चलें जी, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक सूरह फातिहा ग़ुलाम हैदर के लिए मरहूम जो नजफ़ अशरफ में वफात पा चुके हैं, जिनकी कब्र पे सिंध का अजरक पड़ा हुआ है, तो आप तमाम मोमिनीन जो हैं उनसे इल्तिमास से सूरह फातिहा पढ़ें। इंशाल्लाह जी ज़रूर।